हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, आखिर अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या कार्य हैं, ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमने डेफिनेशन से इतना कुछ पता कर लिया था हमने कि आखिर अकाउंटिंग करती क्या है। फिर भी आपको इसके फंक्शंस बताने से पहले आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। डायग्राम तो नहीं, एक ये चीज़ देखिए आप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हम छटनी कर लेते हैं कि कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, तो फिर सिर्फ उन्हीं का यूज़ होगा अकाउंटेंट के लिए। किसी एम्प्लॉय ने रिज़ाइन कर दिया तो उससे अकाउंटेंट को क्या लेना, तो हम छटनी कर लेते हैं, हम हटा लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे काम किए हैं, वो है सिर्फ वो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड जर्नल में फिर क्लासीफाइंग करते हैं लेजर अकाउंट में। तो इतना क्या था हमारा, बुक कीपिंग, प्राइमरी बुक भी कहा जाता है इन तीनों को, इन दोनों को प्राइमरी बुक्स कहा जाता है। इनके द्वारा ही तो हम समराइज करते हैं। समराइजिंग कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस में हम इनके बैलेंस ट्रायल बैलेंस में हम इनके अकाउंटिंग बैलेंस डाल देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस डाल देते हैं, और ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो ये तो हो गया बुक कीपिंग। और इस पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाइंग के बाद रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये होती है हमारी अकाउंटिंग, ये माइंड में रखिएगा हमेशा। तो अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स बुक कीपिंग। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। पहला फंक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला फंक्शन है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। तो आखिर ये सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है, हमें क्यों बनाने पड़ते हैं सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मतलब जो हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, लेजर अकाउंट बना रहे हैं, समराइजिंग कर रहे हैं, वो सिस्टमेटिक होने चाहिए। सिस्टमेटिक से इनका मतलब क्या हुआ कि वो एज़ पर अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तभी वो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहा जाएगा उनको। अकाउंटिंग रूल्स क्या होते हैं, जैसे मैं एक डेबिट क्रेडिट का रूल मैं बार बार बोलता हूँ आपको, वो आने वाली क्लासेस में पता चलेगा। प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि अकाउंट्स हम अक्रूअल बेसिस पे बना रहे हैं या कैश बेसिस पे बना रहे हैं, ये भी आपको आने वाली क्लासेस में पता चलेगा। कॉन्सेप्ट्स, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंट्स में, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स लगे हैं, तो ये सब जब हम फॉलो करते हैं तभी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनेंगे। तो आपको जैसे मैंने अकाउंटेंसी का मतलब बताया था, वो अकाउंटेंसी नॉलेज है, तो अकाउंट अकॉर्डिंगली हम जब बनाएंगे अकाउंटेंसी के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे विद अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, तो उसको कहा जाता है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, तो आइए बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं, बुक क्या कहना चाह रही है। द प्राइमरी फंक्शंस फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है जी, हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स की ही उसे वो करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग का। इट मीन्स दैट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी, इट मीन्स दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स। तो मतलब मैंने जैसे आपको बताया था, तो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जब हम अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स फंक्शंस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग आपको मैंने बताया था, बुक कीपिंग क्या होती है, ये देखिए बुक कीपिंग क्या होती है, आइडेंटिफाइंग रिकॉर्ड्स एंड क्लासीफाइंग। इन अदर वर्ड्स द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। बिल्कुल सही बात है, देखिए साफ पता चल रहा है।
ये बुक कीपिंग है और ये पूरी अकाउंटिंग है। जब ये काम हो पाएगा तभी तो आगे के काम भी हो पाएंगे। इन अदर वर्ड्स द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ सो बिकॉज रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी ड्रॉन इफ बुक कीपिंग इज प्रॉपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं स्टेज पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये तब अच्छे बन पाएंगे जब हम हमारी बुक कीपिंग अच्छी प्रॉपर हो। और प्रॉपर कब होगी? जब हम अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे। तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे डिपेंड कर रही है। इट इज़ सो बिकॉज रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी ड्रॉन इफ बुक्स कीपिंग आर प्रॉपर। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासीफाइंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। वही चीज़ जो मैंने लाइन डाल के बताया आपको। द ट्रायल बैलेंस कैन बी ड्रॉन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, क्लासीफाइंग के बाद हम समराइजिंग जो करते हैं उसमें हम जो क्लोजिंग बैलेंस होता है अकाउंट्स का उसमें उसको हम डालते हैं ट्रायल बैलेंस में। और जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके द्वारा हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तब होते हैं जब हम अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। यानी कि अपने हिसाब से कुछ अलग ही रूल बना दिए, कॉन्सेप्ट्स बना दिए, अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर दी, जो हमें अच्छा लगा वो कर दिया हमने। कि हमने क्रेडिटर से पैसा लेना है उसको शो ही नहीं कर रहे, हमारी मर्जी, ऐसा नहीं है, वो सिस्टमेटिक नहीं होगा। डेटर से पैसा लेना है, हमने वो शो ही नहीं करा अपने अकाउंट्स में कि चलो ले लेंगे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। और क्रेडिटर को पैसा देना है तो वो भी नहीं हम शो कर रहे। या फिर हमने नया फर्नीचर लिया कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, उसको उसको शो नहीं कर रहे, हमारी मर्जी, ऐसा नहीं है। तो जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे तो इसका मतलब हम जो उनके द्वारा अकाउंट्स बना रहे हैं वो हैं हमारे सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, चलिए नया सेकंड फंक्शन क्या है। सेकंड फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए जी, इतना कुछ हम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग में हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो बनाते हैं। तो फंक्शन किसका हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसका फंक्शन हुआ? अकाउंटिंग का। इसके द्वारा ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, सेकंड हो गया। अब थर्ड है, ये आपके लिए कुछ नया आएगा, नया पॉइंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब जी, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उसको कैसे मीट करता है अकाउंटिंग? लीगल रिक्वायरमेंट्स हो गई, देखिए, जो काम हमें लीगली करने हैं, मतलब जो काम हमें गवर्नमेंट ने हमें बताया हुआ है कि आपको हर साल ये काम तो करना ही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको ये काम हर साल करने ही करने हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो गवर्नमेंट ने डिफाइन करा हुआ है ये चीज़ें आपको हर साल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है उस बिजनेस को हर साल टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। ऐसी जो हमारी कंपनीज होती हैं, उनको हर साल एनुअल रिटर्न होती है, वो गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है। गवर्नमेंट का मतलब ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इसको सबमिट करनी होती है हर साल। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट हुई। अब जो ये जो टैक्स पे करते हैं, इसके साथ भी हम रिटर्न देते हैं गवर्नमेंट को। रिटर्न का मतलब क्या हुआ? ये जो रिटर्न है और ये रिटर्न है, इस रिटर्न के साथ हम जो रिटर्न है तो हम गवर्नमेंट को अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट
देते हैं। रिटर्न के अंदर सारी चीज़ें होती हैं कि हमने कितना खर्चा करा, हमारे कितना प्रॉफिट हुआ और कितनी इनकम हुई, एक एक चीज़ बताई जाती है इस रिटर्न के अंदर। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है, तो ये करना ही करना है। तो ये हम कब कब फुलफिल कर पाएंगे? मान लीजिए मेरे से कंपनीज आरओसी ने, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने मुझसे रिटर्न मांगी, और रिटर्न में मांगा उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब शो कर पाऊंगा मैं जब मैंने ये दोनों बना लिए हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, तभी तो उनको गवर्नमेंट को ये रिटर्न जमा करा पाऊंगा, रिटर्न दे पाऊंगा। तो जब मैं ये बना लूँगा, और जब बना लूँगा तो ये मैं गवर्नमेंट को दे दूँगा। दोनों चीज़ें गवर्नमेंट को दे दी तो मतलब मेरी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, समझे? तो अकाउंटिंग हमारे को हेल्प करती है लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करने में, लीगल रिक्वायरमेंट को ख़त्म करने में। अभी हमें लीगल रिक्वायरमेंट थी काम करने की, वो कि रिटर्न जमा करानी है। रिटर्न का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, अकाउंट बैलेंस शीट। तो ये हमें हर साल देने होते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, तो वो तभी दे पाएंगे जब हमारे अकाउंट्स पूरे हों, अकाउंटिंग पूरी हो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मीटिंग रिक्वायरमेंट पढ़िए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन सिस्टमेटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। सही है। बिसाइड्स द लॉ सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, वैट एक्ट एक्सेट्रा रिक्वायर्ड सबमिशन ऑफ रिटर्न्स इन द फॉर्म एंड पीरियड एज इट प्रिस्क्राइब इन द लॉ। द रिटर्न कैन बी सबमिटेड इफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड सिस्टमेटिकली एंड टाइमली। जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन चुके होंगे सिस्टमेटिकली, तभी तो हम सबमिट कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। बस यही चीज़ है, सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, वही चीज़ है जो मैं आपको बताया। तो ये दस इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट, तो ये भी इसका फंक्शन हो गया। तो अभी तक तीन फंक्शंस पढ़े हमने, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब जो लास्ट के टू हैं, फोर एंड फिफ्थ, वो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप देखिए क्या है वो। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसको कम्युनिकेट करते हैं हम? यूजर्स को, यूजर्स को। यूजर्स कौन कौन से थे? मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल्स दिए थे, ओनर, मैनेजमेंट, बैंक, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, है ना? तो उनको हम कम्युनिकेट करते हैं, ये भी एक अकाउंटिंग का वो है फंक्शन। कैसे कम्युनिकेट होता है वो आने वाले टाइम चैप्टर्स में पता चलेगा, कैसे कैसे कम्युनिकेट हो जाता है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव्स में, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो। तो ये थे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए, इसकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन ने ही हमको इतना कुछ पढ़ा दिया है कि हर क्वेश्चन में वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ऑब्जेक्टिव में भी वो रिपीट हुआ, फंक्शंस में भी वो रिपीट हुआ, एडवांटेज में भी आपको पढ़ के लगेगा कि वही चीज़ है। देखिए एडवांटेज कैसे हमें मिलती है अकाउंटिंग से। पहला लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है हमें बिजनेस की, कैसे मिलती है? जब हम अकाउंट्स बनाते हैं प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से, प्रिंसिपल से कॉन्सेप्ट लगा के, हम उसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं, हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, हम उसकी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मिलता है? प्रॉफिट जानने को मिलता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, या फिर हमें लॉस हुआ है तो लॉस कितना हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है हमें बैलेंस शीट से अपने बिजनेस की। तो हमें क्या मिलती है?
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजिशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज नॉन थ्रू अकाउंटिंग। सिंपल है। असिस्टेंट्स टू मैनेजमेंट, ये देखो तीसरी बार आ रहा है नरो, थर्ड टाइम नरो, असिस्टेंट्स टू मैनेजमेंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे कैसे ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है, आप एक बार खुद पढ़ लीजिएगा इसे। थर्ड क्वेश्चन है रिप्लेसेस मेमोरी, ये कुछ नया पॉइंट आया है। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास एविडेंस आया, जैसे ही बिल आया हमारे पास, जैसे कि मैंने कंप्यूटर परचेज करा बिजनेस के लिए, तो मेरे पास बिल आया होगा उसका, परचेज जिससे मैंने परचेज करा मुझे उससे बिल मिला होगा, तो मैंने क्या करा तुरंत उसकी एंट्री करवा दी अकाउंटेंट से। तो हम उसकी एंट्री कर देते हैं, हमें याद नहीं रखना पड़ता, तुरंत हम एंट्री कर देते हैं, तो हमें उसको याद नहीं रखना पड़ता कि चलो बाद में एंट्री करेंगे, अभी याद रख लेते हैं। तो इट रिप्लेसेस मेमोरी। सिस्टमेटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक तो है ही, टाइमली मतलब हमने जब ख़रीदा तभी हमने उसकी रिकॉर्डिंग करवा दी जर्नल एंट्रीज में, लेजर में एंड सो ऑन। तो सिस्टमेटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर ट्रांजेक्शन, हमें नेसेसिटी नहीं है कोई इसको ट्रांजेक्शन को रिमेंबर रखने की, क्योंकि हमने उसको रिकॉर्डिंग कर ली है, एक जगह पे लिखा हुआ है सब कुछ, रिकॉर्ड कर लिया हमने उसे। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है, अकाउंटिंग हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन बता देती है। अब क्या है जी, थर्ड हो गया, फोर्थ फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, ये आपके लिए नया पॉइंट आया कुछ, कि ये कंपैरेटिव स्टडी फैसिलिटेट कराती है हमें। कंपैरेटिव स्टडीज देखो बच्चों क्या होता है, हम अपने प्रॉफिट का, अपनी परफॉर्मेंस का पिछले साल्स के रिजल्ट से कंपेयर करना, कि पिछले साल हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए थे, इस साल कितने एक्सपेंस हो गए, पहले हमारा कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट हो गया, पिछले साल हमने कितनी सेल करी थी, इस साल कितनी सेल हो गई। तो हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव स्टडीज कहा जाता है। तो ये कब कर पाएंगे हम, जब हमने सिस्टमेटिक अकाउंटिंग करी होगी, है ना, तभी तो कर पाएंगे, पिछले साल भी करी थी, इस साल भी करी थी, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। या फिर अगर हम एक कंपैरिजन और कर सकते हैं कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है, जो जैसे मैं पेन बना रहा हूँ, तो जो मेरा कॉम्पिटिटर होगा दूसरा, दूसरी कंपनी जो पेन बना रही है, उसके प्रॉफिट से, उसके एक्सपेंसेस से भी कंपेयर कर सकता हूँ मैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अनेबल्स अ बिजनेस मैन टू कंपेयर वन ईयर्स रिजल्ट विद दोस ऑफ अदर ईयर्स, दूसरे साल के ईयर से अपने इस साल के रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। रिजल्ट्स का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन। एंड लोकेट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स लीडिंग टू चेंज, जो भी चेंज आ रहा है, जैसे मेरे को पता चला था कि एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा हो गए, तो हम पकड़ सकते हैं कि क्यों एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, क्या सच में एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं या फिर कुछ घोटाला हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब प्रोवाइड कर, सेम एडवांटेज मिलती है अकाउंटिंग से ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्या एडवांटेज होगा हम देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एडवांटेज, इट फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। देखिए टैक्स लाइबिलिटीज को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है ना, जितना भी प्रॉफिट कमाया हमने बिजनेसमैन ने, उस पर उसको कुछ परसेंटेज टैक्स देना होता है। अब ये डिफरेंट टाइप के टैक्स लगता है, मतलब 5 लाख तक इतना, 7 लाख तक इतना, 10 लाख से ऊपर इतना, तो कुछ परसेंटेज हमें टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट के ऊपर। अगर लॉस हुआ है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ है तो उस पर क्या टैक्स देंगे हमें, तो प्रॉफिट हुआ है, हमने इनकम जनरेट करी है, तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है।
ठीक है। अब जब हमें टैक्स देना होगा तो हम प्रॉफिट पे टैक्स देंगे, और ये प्रॉफिट निकलता कैसे, जब हमने प्रॉपर अकाउंट्स बनाए होंगे। प्रॉपर अकाउंट्स कैसे बनते हैं, जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स फॉलो करते हैं। जब हम प्रॉपर अकाउंट्स बनाए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स और कॉन्सेप्ट्स लगा के, तो हमारा कुछ प्रॉफिट निकला होगा, तो उस प्रॉफिट पे हमें टैक्स देना पड़ता है। तो अकाउंटिंग हमारी क्या हेल्प कर रही है, टू मीट द टैक्स लेबिलिटीज। ठीक है, तो जब प्रॉफिट निकल जाएगा उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, तो इट फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लेबिलिटीज। और टैक्स भी देखिए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैंने जो आपको बताया था इनकम टैक्स का बताया था मैंने, प्रॉफिट पे टैक्स, सेल टैक्स और वैट सेम चीज़ है। सेल टैक्स लगता है प्रोडक्ट पे, एक लिस्ट दे रखी है गवर्नमेंट ने कि उन प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है, जैसे कुछ भी हो सकता है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, पेन, मोबाइल फ़ोन, सब पे वैट लगता है इन पे। तो इन सब की भी जब अकाउंटिंग होगी तब उनका प्रॉफिट निकलेगा, तो उस पे ऊपर ही टैक्स लगेगा। ऐसी एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री से जब गुड्स निकलते हैं तो इन पे एक्साइज ड्यूटी देनी होती है। तो बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि इट फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग की वजह से हम प्रॉफिट निकाल पाते हैं, प्रॉफिट पर ही हम टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट है जी फैसिलिटेट्स लोन। इट फैसिलिटेट्स लोन, ये लोन कैसे प्रोवाइड करवाता है, जब हमारे अकाउंट्स अच्छे, हम सिस्टमेटिकली बनाते हैं अकाउंट्स को। सिस्टमेटिकली का मतलब बताया था मैंने, सिस्टमेटिकली कि हमने अकाउंटिंग रूल्स फॉलोज करें, हमने प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स फॉलो करें, तो मतलब हमने अकाउंट सही से बनाया है। सही से अकाउंट्स बनाए हैं तो हमारा प्रॉफिट भी निकला होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट निकलता होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट ही निकलेगा अगर लॉस भी निकला हुआ है, क्योंकि लॉस भी निकल सकता है, हमारा प्रॉफिट भी निकल सकता है। अगर हमें लोन लेना है, अगर हम बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, तो बैंक हमारा क्या देखेगा, क्या हमारे पास, अगर हमें, हमारे को लॉस हो रहा है काफ़ी सालों से, तो क्या हमें लोन देगा, वो बिल्कुल नहीं देगा। उसे पता चल जाएगा कि हमारी औकात नहीं है उसके पैसा लौटाने की, उसका इंटरेस्ट देने की। तो बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है हर साल, हम सही सब कुछ पेमेंट कर सकते हैं उसके लोन की वापस, उसको इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, तो हमें लोन देगा। इट फैसिलिटेट्स लोन। ठीक है, नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है बिजनेसमैन के ऊपर कि उसको कोर्ट तक जाना पड़ जाता है। अगर वो जो केस हुआ है उसके अगेंस्ट में, अगर वो अकाउंट से रिलेटेड है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है हमारे, हम उसको कोर्ट में दिखा सकते हैं, अगर हमने वो प्रॉपरली बना रखे हैं, तो सिस्टमेटिकली बना रखे हैं। तो मान लीजिए मैं बिजनेस मैन हूँ, मेरे ऊपर इनकम टैक्स ने मुझको नोटिस भेजा कि आपने जो प्रॉफिट दिखाया है वो आपने कम प्रॉफिट दिखाया है, आपका ज़्यादा प्रॉफिट बनता है, आपका ज़्यादा टैक्स बनता है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास अगर मैंने अच्छे सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, अकाउंट्स बना रखे हैं, तो मैं कोर्ट तक लेके जा सकता हूँ इनकम टैक्स को कि नहीं जी देखिए मैंने प्रॉपरली अकाउंटिंग करी थी और मेरा प्रॉफिट इतना ही है, मेरा ज़्यादा नहीं है, मैं इतना ही टैक्स देना चाहता हूँ, इतना ही टैक्स दूंगा। तो वो सारे एविडेंस काम आएंगे मेरे अकाउंट्स के। तो इट प्रोवाइड इट इट वर्क एज एविडेंस इन कोर्ट। ठीक है, आठवां देखते हैं फैसिलिटेट सेल्स, सेल ऑफ बिजनेस। ये आपके लिए नया पॉइंट है कि सेल ऑफ बिजनेस क्या होती है। मान लीजिए मेरा बिजनेस चल रहा है, 5 सालों से मैंने बिजनेस चलाया, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिजनेस को और नहीं कंटिन्यू करूँगा, तो मैं जो मेरा बिजनेस चल रहा है उसको मैं किसी और को बिजनेस बेचना चाहता हूँ, अपना किसी और को बेचना चाहता हूँ मैं बिजनेस। तो मैं अगर अपने बिजनेस किसी और को बेचना चाहता हूँ, तो जो मेरे एसेट्स की वैल्यू होगी, जितना मेरा लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, डेटर्स और सिमिलरली
जितने मेरे क्रेडिटर पे करने हैं, लोन पे करना है, जो कैपिटल है, ये सब, इन सब की वैल्यू मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय मैंने इनकी वैल्यू लिखी होगी। तो वो हेल्प करेगी जब मैं किसी को अपना अपना बिजनेस बेचूंगा, तो इन सब की वैल्यू निकालने के बाद जो एस्टिमेट निकालूंगा कि हाँ भाई इतना इतना पैसा मेरे को चाहिए अपना बिजनेस बेचने के लिए, तो मैं उसको उससे इतना पैसा मांग सकता हूँ, जिसको हम परचेज कंसिड्रेशन कहते हैं। किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो हमें परचेज कंसिड्रेशन पे करना होता है। वो कैसे निकलता है, हम एसेट की वैल्यू देखते हैं कि इतने सारे एसेट्स हैं, इनकी इतनी वैल्यू है, इन एसेट्स में से इसकी इतनी लायबिलिटी पे करनी है। तो ये सब कैसे पता चलता है, जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं। प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो हमें परचेज कंसिड्रेशन निकालने को मिलता है। परचेज कंसिड्रेशन निकालता है तो अपना बिजनेस सेल कर सकते हैं। नवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। देखिए ये भी मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ कि हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, देर आर वेरियस काइंड टाइप्स ऑफ डिसीजन लाइक विड्रॉवल बाय प्रोपराइटर, तो हम एंड द प्राइस एट विच गुड्स शुड बी सोल्ड। जब हमें पता हुआ कि इसकी कॉस्ट इतनी है, इतना खर्चा हो गया, इतना एक्सपेंसेस हो गए, तो हम उसके प्राइस कितना रखे हैं, ये भी अकाउंटिंग बता देगा। तो काफ़ी हेल्पफुल है डिसीजन मेकिंग में। ये ऑलरेडी आपको 3-4 बार बता चुका हूँ मैं कैसे कैसे डिसीजन होता है। तो ये काफ़ी इजी था, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब हम आ गए हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये समझना है। इसमें सारी पॉइंट्स आपके लिए नए पॉइंट्स आएंगे, अभी तक नहीं पढ़े हमने। तो पहला पॉइंट कहता है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। बिल्कुल सही बात है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस सच एज सेल और परचेज और रिसिप्ट ऑफ कैश, येट सम एस्टिमेट्स आर ऑल्सो मेड फॉर असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए मैं आपको ये जो लाइन है इसका मतलब बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। हमारी जितनी भी सेल हुई है, मान लीजिए 1 लाख रुपए की हमारी सेल हुई थी, इसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जितना इनकम हुई माइनस एक्सपेंसेस। मान लीजिए एक्सपेंसेस थे हमारे 60,000 के, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, 40,000। अभी जो एक्सपेंसेस हैं ये दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हम आगे सीखेंगे कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मगर आपको एक बताना चाहता हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही एक एक्सपेंस होता है जिसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन क्या होती है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए हमने हमारे कंपनी के पास एक एसेट था, मशीनरी। मैंने 5 साल पहले मशीनरी खरीदी थी, 5 ईयर्स अगो। कितने रुपए की थी वो, 1 लाख रुपए की। क्या उसकी 5 साल बाद आज वैल्यू 1 लाख रुपए ही रही होगी? अच्छा आपको लगता है, आप अपना कोई स्कूटर बाइक या गाड़ी खरीदते हैं, क्या 5 साल बाद उसकी वैल्यू सेम रहती है? क्या वो पूरे उसी रेट पे बिकेगी? नहीं, जो उसकी वैल्यू घटती है ड्यू टू टाइम, टाइम लैप्स हो गया इतना सारा, कुछ हमने उसको यूसेज इतना करा है, तो उसकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। वैल्यू में गिरावट जो नेचुरल है। इवन आप किसी आपने कोई मशीनरी खरीदी, उसको आपने 5 साल तक यूज़ नहीं करा, मान लीजिए अभी भी वो पूरे उसी रेट पे नहीं बिकेगी 5 साल बाद जितने में आपने खरीदी थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टाइम बीतने के साथ साथ भी वैल्यू गिरती है।
और उस वैल्यू के गिरने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस डेप्रिसिएशन को निकालना इतना आसान नहीं है, सिर्फ एक एस्टिमेट होता है। हम एस्टिमेट ही तो लगा सकते हैं कि हमारी 5 साल बाद, 5 साल पहले खरीदी थी तो आज इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। ठीक है, तो एक ये लिमिटेशन का कारण है अकाउंटिंग का, कि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आखिर है क्या, कितनी वैल्यू है। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, इसका कहने का मतलब यही है। ऑल दो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस सच एज सेल, परचेज, रिसिप्ट, येट सम ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो मेड फॉर असरटेनमेंट द प्रॉफिट, एस्टिमेट, सॉरी, एस्टिमेट बनाना पड़ता है हमें प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट तो निकाला था हम जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने माइनस करे, इसमें डेप्रिसिएशन भी था तो एस्टिमेट भी था, मतलब इसमें 60,000 में हमें, तो ज़रूरी नहीं है कि 60,000 इसमें डेप्रिसिएशन जो हमने जोड़ा होगा 60,000 में, मान लीजिए 5,000 का हमने डेप्रिसिएशन डाला है इसमें, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 5,000 ही है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जो हर साल जितनी गिरावट आती है, डेप्रिसिएशन आती है, उसको हम एक्सपेंसेस में डाल के अपनी इनकम में से माइनस करते हैं, सेल में से माइनस करते हैं, तब प्रॉफिट आता है। तो हमें नहीं पता होता, हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि इतनी वैल्यू गिरी होगी एसेट की, तो एस्टिमेट है सिर्फ, ये एग्जैक्ट नहीं बताता कई चीज़ों के बारे में। जैसे कि एग्जांपल ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जैसे कि हम मान लीजिए मैंने कोई मशीनरी खरीदी थी तो मैंने उसका एस्टिमेट लगाया था कि ये 10 साल तक चलेगी। ठीक है, मान लीजिए ये मशीनरी 1 लाख की जो खरीदी थी मैंने, इसका एस्टिमेट लगाया था मैंने, एस्टिमेट लाइफ उसकी लगाई थी मैंने 10 ईयर्स, तो मैं हर साल पर ईयर कितनी डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, वन लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 10,000, 10,000 की डेप्रिसिएशन हर साल लगाऊंगा मैं, कहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, यहाँ पे शो करूँगा। तो ये जस्ट एस्टिमेट ही तो लगाया मैंने कि ये 10 साल की इसकी वो होगी यूजफुल लाइफ, हो सकता है ज़्यादा की हो सकता है पहले ख़त्म हो जाए, मशीनरी मेरी ख़राब हो जाए, तो ये एग्जैक्ट नहीं बताता हमें कई आइटम्स के बारे में, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, पॉसिबल बैड डेट। बैड डेट्स क्या होते हैं जी? मैंने आपको डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में डेटर्स के बारे में बताया था कि डेटर्स जिनसे पैसा लेना है। अब जी बैड डेट क्या है? बैड डेट्स ये हैं वो डेटर्स जिन्होंने पैसा नहीं दिया या देंगे। जब हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें इतने बैड डेट होने वाले हैं तो वो देंगे, मतलब जिन जो पैसे नहीं देंगे, हमने एस्टिमेट लगा दिया। मान लीजिए मैंने मेरे मेरे पास 40,000 रुपये आने थे डेटर्स से, मैंने एस्टिमेट लगाया कि शायद 10,000 कभी ना आए, क्योंकि मेरे को कंडीशन ऐसी लगी अपने डेटर्स की कि मुझे लगा कि ये 10,000 रुपये का मुझे लग रहा है कि बैड डेट हो जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे, तो मैंने एस्टिमेट लगा दिया था। मगर हुआ क्या, पैसे पूरे के पूरे आ गए, पूरे 40 के 40,000 आ गए। तो मैंने तो सिर्फ एस्टिमेट लगाया था कि शायद ना आए, या ये भी हो सकता है कि 10,000 का एस्टिमेट लगाया था और 20,000 नहीं आए, 20,000 आए और 20,000 नहीं आए, तो ये सब एस्टिमेट्स हैं, इन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते इनकी हम, तो ये लिमिटेशन है किसकी, अकाउंट्स की। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे एस्टिमेट्स भी लगते हैं अकाउंट्स बनाते समय, जैसे कि दो एग्जांपल दिए, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोबेबल मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स, या जो हम पहले से सोच लेते हैं कि मार्केट वैल्यू हमारे गुड्स की, स्टॉक की ये होगी, प्रोबेबल, इसके नाम में प्रोबेबल लगा हुआ है,
प्रोबेबल मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑफ द गुड्स। स्टॉक ऑफ द गुड्स के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में बताया था। तो सारे ये क्या है, एस्टिमेट्स हैं, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हर चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती अकाउंटिंग में, तो ये की लिमिटेशन बन जाता है। दूसरा, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। अब एक बात बताइए, जब बैलेंस शीट बना रहे हैं, चलो पहले बुक की लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ आपको एक बारे में। द बैलेंस शीट डज नॉट शो द अमाउंट ऑफ कैश विच द फर्म में रियलाइज बाय सेल ऑफ ऑल द एसेट्स। दिस इज बिकॉज मैनी एसेट्स आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड, दे आर मेंट फॉर यूज एंड आर शोन एट रिटन डाउन वैल्यू कॉस्ट डेप्रिसिएशन। देखिए इसका क्या है, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब हम जो बैलेंस शीट में जो भी हम हमारे एसेट की वैल्यू लिखते हैं, अगर हम उसे मार्केट में बेचने जाएं तो क्या हमें उतना ही पैसा मिलेगा, उतना ही रियलाइजेबल अमाउंट मिलेगा? जब हम उसे रियलाइज़ करेंगे, बेचेंगे, तो वही वैल्यू मिलेगी? वो नहीं मिलेगी। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था, क्योंकि जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो एक एस्टिमेट होता है। हो सकता है हमारा एस्टिमेट गलत निकले, या ज़्यादा निकले या कम निकले। जो खरीदने जा रहा हो वो हमारे, जो खरीदेगा हमारे एसेट को, वो डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगाए, वो कहेगा कि नहीं जी आपने बहुत कम डेप्रिसिएशन लगाई है, आपके एसेट की वैल्यू तो इतनी है, मैं इतने पैसे दूंगा। तो हमें उतना रिलाइजेबल वैल्यू नहीं मिलेगा अगर हम उसे बेचने जाएँ, जो जितना कि हमने बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन कहा जाता है। इजी से हैं सारे। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो आपको याद होगा मैंने कहा था, बताया था आइडेंटी अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। सिर्फ हम फाइनेंशियल और मॉनिटरी आइटम्स को ही आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम क्या इग्नोर कर देते हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैनेजर को हायर आ, मैनेजर ने रिज़ाइन करा, एम्प्लॉयज़ को मैंने हायर करा, वो सब हम अकाउंट्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। सिंस अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू मॉनिटरी मैटर्स ओनली, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी ऑफ स्टाफ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन आर इग्नोर्ड। इनसे हमें क्या लेना अकाउंटेंट को, कि इंडस्ट्री में कैसे रिलेशन चल रहे हैं, पब्लिक रिलेशन कैसे चल रहे हैं, इसमें कोई मॉनिटरी आइटम्स है, कोई ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो रही नहीं, उससे हमें कुछ नहीं लेना अकाउंटेंट को। हमसे मॉनिटरी आइटम्स को, फाइनेंशियल आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। फोर्थ, अकाउंटिंग इग्नोर्स द अफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल में मैंने एक्सपेंसेस करे थे कुछ 2 लाख रुपए के, अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस करे, खर्चे हुए, ठीक है। अब जो मेरी अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होगा अगले साल 31 मार्च को, जो मेरा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होगा, क्या जो मैंने 2 लाख अप्रैल में खर्च करे थे पिछले साल, उसकी वैल्यू 2 लाख ही रही होगी? जो 2 लाख रुपए में मैंने सामान खरीद लिया था, क्या वो 1 साल बाद भी वही सामान मैं 2 लाख रुपए में खरीद पाऊंगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है, इन्फ्लेशन आता है जब देश में, तो उतने पैसे में आप जो आपने 1 साल पहले ख़रीदा था, उतने ही पैसे में आप नहीं खरीद पाएंगे। वही सेम चीज़ है, उतना ही खर्चे आप, आपको हो सकता है आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाए, मगर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग ईयर में जब ख़त्म हो जाता है, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, हम वो कंसीडर नहीं करते। जो हमने 1 साल पहले 2 लाख रुपए खर्चे थे, तो हम 2 लाख ही शो कर देते हैं, जबकि हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको शो करना चाहिए, तभी हमें रियल प्रॉफिट पता चलेगा। आज के मुताबिक 1 साल पहले जो हमने खर्चे करे थे, हम वही शो कर देते हैं। तो इसको कहा जाता है प्राइस अफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, क्योंकि 2 साल पहले जो भी मैंने कच्चा माल खरीदा होगा अपने बिजनेस चलाने के लिए, उसके प्राइस कब कम होंगे, और अब हो सकता है कि उसके प्राइस बढ़ गए हो 1 साल बाद। तो ये अकाउंटिंग प्राइस चेंज को जो होता है इग्नोर करता है, उसको कंसीडर नहीं करता है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो खरीदी थी जिस टाइम पे आपने, उसकी जो कॉस्ट थी उसी को कंसीडर करता है अकाउंटिंग। मनी एज मेजरमेंट यूनिट चेंज इन वैल्यू।
मनी की वैल्यू चेंज होती है, हम सभी को पता है। जो जो हमने गाड़ी 5 साल पहले खरीदी थी जितने रुपए में, क्या आज हम उतने रुपए में खरीद पाएंगे उसको? नहीं, उसके रेट बढ़ चुके होंगे। इट डज नॉट रिमेन स्टेबल, ठीक है, अनलेस प्राइस लेवल चेंजेस आर कंसिडर। अगर हम प्राइस लेवल को चेंज को कंसिडर करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विल नॉट शो ट्रू रिजल्ट। जब तक हम प्राइस लेवल चेंज को कंसिडर नहीं करेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विल नॉट शो ट्रू फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है जी, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि वो प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर कर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब जी विंडो ड्रेसिंग क्या होती है पहले ये समझते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करना, हमें छुपाना है किसी चीज़ को ताकि हम सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकें और उससे कुछ एडवांटेज ले सकें। विंडो ड्रेसिंग मतलब अच्छा अच्छा दिखाना उसके बारे में बाहर बाहर से, यहाँ जी बहुत अच्छा है ये, बाहर से अच्छा दिख रहा है मगर अच्छा असली में है नहीं, जैसी कंडीशन हम शो कर रहे हैं वैसी उसकी कंडीशन है नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे किया जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको लोन्स वगैरह चाहिए होता है बैंक से, और वैसे कि मैंने आपको बताया था बैंक लोन कब देता है, जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी हो, आपके प्रॉफिट अच्छे आ रहे हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी शो हो रही हो। ठीक है जी, तो कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट्स करती हैं, अपने अगर प्रॉफिट कम आ रहा हो या लॉस आ रहा हो तो उसको प्रॉफिट में शो कर देती हैं, और जब अगर कम लॉस आ रहा हो तो उसको बड़ा चढ़ा के ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देती हैं, मैनिपुलेट कर देती है अकाउंट को ताकि वो छुपा सकें अपने अपने लॉस को, और क्या करें एडवांटेज क्या लेंगे, बैंक से लोन मिल सके। तो विंडो ड्रेसिंग इसको कहा जाता है कि मैनिपुलेट करना अकाउंट्स को। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसमें, द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू कंसील वाइटल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच अ वे एज टू शो बेटर पोजिशन देन वट इज एक्चुअली इज। ठीक है जी, इन दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट। सही बात है, मैनिपुलेट कराया तो ट्रू एंड फेयर व्यू तो कभी दिखाएगा नहीं। रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन मतलब प्रॉफिट, एंड द बैलेंस शीट फेल्स टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये थी जी हमारी लिमिटेशंस। तो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आखिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती क्या है, इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा। देखिए, जो हम बुक कीपिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो बुक कीपिंग के हर स्टेप में और अकाउंटिंग के हर स्टेप में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है बिजनेस के बारे में। जब हम बुक कीपिंग कर लेते हैं, बुक कीपिंग के बाद हम क्या बनाते हैं, समराइजिंग करते हैं उसकी। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न करा है, या फिर हमारे को अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस इंकर्ड करा है हमने। ये दो चीज़ें हमें पता चलती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। तो दूसरी चीज़ हमें क्या पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और होती है जो हम एक स्टेटमेंट और बनाते हैं, जो हमने मैंने पहले भी बताया था, उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें इसमें पता चलता है सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, इसमें हम वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं सिर्फ, तो इससे कैश की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द्वारा, जो इन्फॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट द्वारा, जो इन्फॉर्मेशन हमें कैश फ्लो द्वारा प्राप्त होती हैं, वो होती हैं हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और यहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं, आफ्टर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, देन रिकॉर्डिंग इन जर्नल बुक्स, एंड देन पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट्स।
वो होती है बुक कीपिंग, उसके बाद समराइजिंग, समराइजिंग से हमें मिलती है फाइनेंशियल, सॉरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। ओके, यूज ऑफ विच हेल्प्स इन यूजर्स टू अराइव एट द डिसीजन, डिसीजन पे पहुंच सकते हैं हम इसके थ्रू, बुक कीपिंग के थ्रू। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो जनरेटेड आर द इनकम स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द फाइनेंशियल पोजिशन बैलेंस शीट। देखिए, इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाई दिस स्टेटमेंट्स कैन बी कैटेगराइज इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट, मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इन्होंने तीन कैटेगरी में डाल दिए। पहली इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, ये कौन बताता है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट, सरप्लस होता है, देखिए जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जो बिज़नेस कर रहा है वो प्रॉफिट कमाने के लिए बिज़नेस कर रहा है, मगर कई पर बिज़नेस होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉट बिज़नेस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो बिज़नेस होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बिज़नेस करते हैं। वो चैरिटी में के लिए बनाते हैं या फिर कुछ दूसरे पर्पस के लिए जिसमें प्रॉफिट नहीं होता, उसमें हम निकालते हैं सरप्लस निकलता है उसमें। अगर हमारी इनकम हमारे खर्चों से ज़्यादा है तो उसमें सरप्लस निकलता है। ठीक है, तो उसमें हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह उसमें हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पूरा चैप्टर है आपके 11th में ही, उसमें डिटेल में हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजिशन, ये आपको मैंने बताया भी था, ये कैसे बोलता है बैलेंस शीट। और तीसरा क्या, इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, कैश फ्लो के लिए हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 12th का है चैप्टर वैसे, इसमें क्या होता है जितना कैश इनफ्लो होगा कितना कैश आउटफ्लो होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डाली जाती है, इससे पता चलता है हमें कैश की पोजीशन। ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड प्रॉफिट और सरप्लस, इसके बारे में बताता हूँ मैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने बिज़नेस करा प्रॉफिट कमाने के लिए करा है, तो मैं मेरे को प्रॉफिट, जब मेरा बिज़नेस चल रहा है तो उसमें कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई होंगी तो उनकी रिकॉर्डिंग हुई होगी मेरे अकाउंट्स में, तो जब अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग हो जाती है तो हम बनाते क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने मुझे प्रॉफिट बताया होगा, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली किसकी, प्रॉफिट की, किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। तो इस पूरे इसमें यही बताया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस से हमें वो मिल रही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एक्सपेंड एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। ठीक है, तो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन है, दूसरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन इज इक्वल टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें क्या क्या पता चलता है कि हमारे एसेट कितने हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या है, और जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं कितनी बची हैं लाइबिलिटीज़, क्या हमारे एसेट्स सफिशेंट हैं लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। जब हमारे लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, कैपिटल, जो कि बिजनेसमैन खुद लगाता है, ओनर जो होता है बिजनेस का उसे कैपिटल कहा जाता है, मैंने डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में आपको बताया था। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो, कहाँ से पता चलती है हमें, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, पहली प्रॉफिट एंड सरप्लस की, दूसरी हो गई फाइनेंशियल पोजीशन की, थर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो ऑफ बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड, तो कैश के कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ वो बताता है। ये इन्फॉर्मेशन हमें कब क्यों ज़रूरत होती है, मान लो हमें लाइबिलिटी पे करनी है, या हमें हमने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट पे करना है, या हम अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास अवेलेबल होगा कैश, अच्छे से अवेलेबिलिटी होगी, तो उस अवेलेबिलिटी के लिए हमें पता करने के लिए कितना कैश है हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो
मैंने नीचे नहीं करा था, आप देखिएगा, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड सरप्लस, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। आप एक उसकी रीड कर लीजिएगा, जो जो बताया सेम वही चीज़ें हैं इसमें। अब आप देखिए इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच इज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, लिखवाए थे मैंने यूजर्स बकायदा, तो आप देख लीजिएगा। ऑनर क्यों, ऑनर अकाउंट यूजर्स कौन होते हैं, जिनको जो हमारे अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई है कंपनी ने, उनको यूज़ करते हैं, उनको पढ़ते हैं। हर यूज़र का अपना अपना पर्पस होता है पढ़ने का अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपनीज़ की। तो किस यूज़र का क्या रीज़न है पढ़ने का, वो है इस क्वेश्चन का मेन पर्पस, कि जो ऑनर है वो क्यों यूज़ करेगा, क्यों पढ़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। भाई उसने अपना कैपिटल इन्वेस्ट करा है कंपनी में, बिजनेस में, तो उसको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट देखेगा, वो प्रॉफिट देखने के लिए देखेगा कि कितना प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो कितना है। तो ऑनर क्या देखेगा, प्रॉफिट। मैनेजमेंट देखेगा कि भाई अपनी परफॉर्मेंस सही करनी है बिज़नेस की, कॉस्ट कैसे कम की जाए, पिछले साल कितनी को कि क्या प्राइस था, रिडक्शन करनी है, इन्वेस्टमेंट में कितना अमाउंट लगाया जा सकता है कि अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। तो अपनी परफॉर्मेंस को, प्रॉफिट को सुधारने के लिए मैनेजमेंट देखेगा। फिर है जी एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, ये भी मैंने बताया था कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है मगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ी है। या फिर प्रोविडेंट फंड, ये भी देखा जाता है क्योंकि जो कंपनीज़ होती हैं उनकी एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि उनको प्रोविडेंट फंड में कुछ परसेंट हर साल अपने प्रॉफिट में से प्रोविडेंट फंड में डालना होता है। तो एम्प्लॉय देखेगा कि प्रोविडेंट फंड में हर साल जा रहा है नहीं जा रहा कंपनी का परसेंट प्रॉफिट का, क्योंकि प्रोविडेंट फंड मिलता किसको है लास्ट में, एम्प्लॉय को, तो वो चेक करेगा। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक कब देगा लोन, जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही हो, कंपनी की औकात हो पैसा लौटाने की विद इंटरेस्ट, तभी लोन देगी, तो वो पढ़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो है जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो तो फाइनेंशियल पोजीशन पड़ेगा ही कि हाँ भाई प्रॉफिट कितना हुआ है, अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे इसके पे कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा नहीं, अगर या नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर इसलिए देखेगा कि हाँ भाई कितना प्रॉफिट हुआ है, इतना मुझे इंटरेस्ट चाहिए, इतना मुझे डिविडेंड चाहिए, रिटर्न चाहिए मुझे इन्वेस्ट करने पे कंपनी में, तो वो इसलिए चेक करेगा। क्रेडिटर क्यों चेक करेगा, क्रेडिटर क्यों चेक करेगा, क्रेडिटर इसलिए चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो देखेगा कि कितना प्रॉफिट कमाया है, उसको जितना पैसा उसने कंपनी से लेना है वो उसको वापस मिल जाना चाहिए नहीं मिल जाना चाहिए, वो सब देखेगा अपने क्रेडिट कि कंपनी ने कितना कमा लिया है। अगर कंडीशन अच्छी है कंपनी की तो अपना पैसा, उसको अपना पैसा मांग लेगा वापस, तो देखता रहता है वो, तभी क्रेडिट देगा अगर कंपनी के अच्छे अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तभी क्रेडिट पे देगा गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़, जैसे गवर्नमेंट का बताया था मैंने टैक्स, ये प्रॉफिट जितना कमाया उतना टैक्स दिया है नहीं दिया या फिर कम ज़्यादा दिया है, तो गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले। रिसर्चर्स, रिसर्चर्स कौन होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं जैसे जो आपने सुना होगा कुछ स्टॉक मार्केट होती है जहाँ पे कंपनीज के शेयर्स ऊपर नीचे, कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं, तो रिसर्चर्स भी वही होते हैं, वो देखते हैं किस कंपनी के शेयर्स कब खरीदने चाहिए, किस कंपनी के शेयर्स कब नहीं खरीदने चाहिए, किस कंपनी के शेयर्स कब बेचने चाहिए, तो वो रिसर्च करते रहते हैं कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के, तो वो रिसर्चर होते हैं और उनको काफ़ी हेल्पफुल होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज की। ऐसे कंज्यूमर, मान लीजिए आप कोई, आप मेरा पेन ख़रीदने जा रहे हैं, तो कई कंज्यूमर होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं कि इनकी कितना प्रॉफिट है, कि कैसी कंपनी है, कि कैसा इनका वो है, कैसी क्वालिटी यूज़ करते होंगे पेन में,
अगर ज़्यादा वो कितनी कैसी इनकी गवर्नेंस है, तो ये कंज्यूमर भी कहीं पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यूज़र्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल ओनर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। ये इंटरनल है कंपनी के, ओनर भी कंपनी के अंदर होता है, मैनेजमेंट भी और एम्प्लॉय एंड वर्कर्स भी। ये है इंटरनल यूज़र्स। एक्सटर्नल कौन होगा? जो कंपनी के बाहर के हैं, जैसे बैंक था, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स, पब्लिक, ये सारे कौन है? बाहर के हैं, तो ये एक्सटर्नल यूज़र है।